हेलो गाइस, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस वेयर द दिस इज कॉल्ड फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ फार्मर सो एनीथिंग दैट इज डन इन दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर और फॉर द protection of interest of farmer. So here also the motive of this cooperative society is protecting the interest of small farmer. Why the farmers are of many types. बहुत तरह के होते हैं. Some are doing it merchandising or doing commercial farming. But here the small farmers are there that are not having that much of money. इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है उनके पास. तो वहां पे इट इज हेयर द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज देयर दैट आर हेल्पिंग द और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दीज स्मॉल फार्मर. हाउ दे आर वर्किंग लाइक स्मॉल फार्मर्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यील्ड इनका जो प्रोडक्शन होता है यील्ड होती है ईयरली या फिर जो भी आप कह लो वो कितनी होती है स्मॉल क्वांटिटी होती है. एंड स्मॉल फार्मर क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री वेयर ज्वाइंट फैमिलीज आर देयर है ना ज्वाइंट फैमिलीज होती है तो जो भी बड़ा लैंड होता है दैट विल बी फ्रेगमेंटेड. फ्रेगमेंटेड मीन्स ब्रोकन अप तोड़ दिया जाता है. मतलब तोड़ने का मतलब क्या हुआ इट विल बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली और द हायर्स ऑफ द फैमिली लीगल हायर्स ऑफ द फैमिली. तो क्या होता है लैंड वॉट एवर विच इज अ बिगर लैंड दैट विल बी कन्वर्टेड स्लोली 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 इन टू अ स्मॉलर लैंड. एक बड़ा लैंड जो होता है वो स्मॉल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द फार्मर्स दैट आर डूइंग फार्मिंग इन दिस स्मॉल फार्म देन डेफिनेटली दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी. They are basically based on monsoon for irrigation. They are not having that much of good quality seeds. They are not having that technology of like tools or machinery for the production for that will help them in producing for the production of their crops. So that due to that problems, their yield is also वेरी लेस अमाउंट. और एक और होता भी क्या है देखो हेयर इफ द फार्मर स्मॉल फार्मर्स देयर लैंड आर दीज आर कॉल्ड फ्रेगमेंटेड लैंड. इन लैंड्स को हम क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेड लैंड कहते हैं. अब फ्रेगमेंटेड लैंड का मतलब है स्मॉल स्मॉल क्रॉप स्मॉल लैंड इज देयर. अब उसमें क्या होता है देयर यील्डिंग समथिंग and they're yielding something some kind of wastage are also there. एक लैंड को दूसरे लैंड से सेपरेट करने के लिए डिफरेंट क्या कहते हैं पार्टीशन विल बी डन है ना बाय द फार्मर्स. अब उसमें उन पार्टीशन में क्या होता है इट इज प्लांटेशन इज नॉट डन इन दिस पार्टीशन है ना प्लांटेशन भी नहीं उसमें किया जाता है. अच्छा उसमें भी क्या होता है when they are sowing the seed all the plants are not germinated. सारे प्लांट्स नहीं भी जर्मिनेट होते हैं कई तो उसमें से जर्मिनेशन ही नहीं होता है. सो मोस्ट ऑफ द लैंड दे आर यूटिलाइजिंग फॉर द प्रोडक्शन सम 10-15% वाज लेफ्ट ओवर फॉर वाज अ वेस्टेज विल बी काउंटेड एज अ वेस्टेज. कैसे वेस्टेज होता है ये पार्टीशन में कुछ वेस्ट होता है एंड कुछ जो होता है वो वहां पे वो सीड्स ग्रो ही नहीं किए सो दैट्स वाई दैट इज ऑल्सो नॉट रिकवर्ड है ना. और कुछ पेस्ट से खत्म हो जाता है. सो वॉट एवर द लेफ्ट ओवर यील्ड इज देयर. और कई बार तो नेचुरल प्रोसेस ऐसा होता है तो दे आर नॉट गेटिंग गुड यील्ड. सो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स द स्मॉल फार्मर्स आर ऑलवेज सफरिंग लॉस. अब गवर्नमेंट में क्या होता है जब जब ये लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक से तो वहां पे भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना. तो ऐसे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी
फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन लैंड्स को कंबाइन कर देती है। जो भी फार्मर्स इनके मेंबर्स बनते हैं वो लैंड को, ये जो छोटे छोटे लैंड्स हैं उनको कन्वर्ट करके क्या कर देती है, बिग लैंड में कन्वर्ट कर देती है। ये जो छोटे छोटे थे इनको ज्वाइन कर देती है। नाउ दिस इज अ बिग लैंड, है ना। अब यहाँ पे जब वो प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर द वेस्टेज इज लेस। यहाँ पे वेस्टेज भी कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पार्टीशंस नहीं है। और एज दे आर डूइंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर हेल्पिंग देम, तो दे कैन यूज न्यू टेक्नोलॉजी टूल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो होते हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, दे आर यूटिलाइजिंग दोज इक्विपमेंट ऑल्सो इन फार्मिंग, है ना। एंड लाइक नॉट ओनली दिस, दे आर हैविंग अ गुड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पेस्ट कंट्रोल ऑल्सो, फॉर इरीगेशन ऑल्सो, है ना, फॉर रेस्ट ऑफ थिंग्स। सो वॉट हैपेंड देन, इससे क्या होता है, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ यील्ड। यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ड्यू टू विच द फार्मर आर अर्निंग गुड प्रॉफिट इन रिटर्न बाय सेलिंग दोज, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू होता है, तो डेफिनेटली फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो यहाँ पे दे आर हैविंग अ गुड कॉन्टेक्ट ऑल्सो, इफ एज दे हैव टेकन फुल केयर ऑफ देयर क्रॉप, पूरा क्या केयर किया उन्होंने, तो उससे होता क्या है, दे हैव शोन गुड क्वालिटी सीड्स, दे हैव डन प्रॉपर वीडिसाइड्स विल बी डन बाय देम, वीडिंग विल बी डन बाय देम, प्रॉपर इरिगेशन एज पर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप दे हैव डन, देन विद द हेल्प ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट इज यूज्ड इन द फार्मिंग, they are using that also, so in that way they would be able to produce huge quantity or large quantity of crop production, and not only they are producing, they have a good sources to store that crops, and ultimately when they want to sell these crop production in the market, as the variety or the quality of their crop or the cereals are good, they'll get good price. So this is how the farmer cooperative society helping small farmers in the villages that are having small lands, they are forming, the farmers are the members of this society. यहाँ पे farmer ही member बन जाते हैं और वो लोग एक capital subscription करते हैं सारे लोग मिलकर, जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू कि देयर आर मोर देन 10 मेंबर्स एंड दे 10 और मोर देन, एटलीस्ट 10 मेंबर्स और मोर देन दैट, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर मनी और द एक्यूमुलेटेड मनी दे फॉर द विद द एक्यूमुलेटेड मनी दे आर यूटिलाइजिंग इट फॉर प्रोडक्शन पर्पज, फॉर कंज्यूमर, फॉर प्रोड्यूसर और फॉर फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी. So, I think you have understood it. Thank you.